राजेश भाई अपने सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में शामिल, इनका आखिरी एशियल है राजेश भाई का तारा। और ये जबरदस्त शॉट लगा है, पहली बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री में तारा ने अपने चिर परिचित अंदाज में भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत, जब तक तारा रहेंगे क्रीज पे तब तक बॉलरों के लिए सांस लेने का मौका नहीं, नाक में दम कर देंगे। तारा बहुत ही तूफानी गति से बैटिंग करते हैं। चौके के साथ खाता खुलता हुआ सिंगड वॉरियर्स का फोर रन, और इस बार फुल टॉस और वही परिणाम जो पिछली बॉल पे हुआ था। बॉल बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड हुई है, दो रन बनाने में कामयाबी इस बीच। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमा, घास थोड़ी बड़ी हुई है, उसकी वजह से बॉल तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकी और बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड करके फेंका। तब तक बल्लेबाज दो रन पूरा करने में सफल और इन दो रनों की सहायता से स्कोर 6 है। एक बार फिर फुल टॉस बॉल, इस बार थोड़ी तेज गति से बॉल जा रही है और ये इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। दिस इज सेकेंड फोर कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ तारा फॉर सिंगड वॉरियर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फोर नाउ स्कोर मूव्स ऑन 10 विदाउट एनी लॉस। तारा 333 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तारा का बल्ला चला तो समझ लो कि विरोधी टीम के बॉलरों की बकिया उधेड़ने में कोई कमी नहीं। अच्छा बैकअप किया, क्रॉस बैट खेलने गए थे तारा चूके और बॉल बिना बल्ले को छुए विकेट कीपर के दस्ताना में रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल पहली दफा इस मुकाबले में, पावर प्ले चलता हुआ, दो ओवर का पावर प्ले है, 10 ओवर का ये मुकाबला। एक बार फिर क्रॉस खेलने के चक्कर में मिस हुए, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक बार फिर डॉट बॉल। आखिरी बॉल शेष है पहले ओवर की, और अच्छा बैकअप लिया पिछले 3 बॉलों में राजेश द्वारा। ओवर समाप्त हुआ, 1 ओवर के बाद सिंगड वॉरियर्स का स्कोर 10 रन बिना कोई विकेट खोए, और दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर्स ने बॉलर का नाम बताओ भाई, चुरेच दिनेच, दिनेच पहली बॉल फुल टॉस हवा में, मौका हो सकता था फील्डर से थोड़ा दूर। इस बीच 1 रन पूरा करने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 11 हो चुका है। एसीएल के 7वें दिन का ये तीसरा लीग मुकाबला चलते हुए, चौथा है शायद, चौथा लीग मुकाबला चलते हुए सिंगड वॉरियर्स वर्सेस डीएसके धानोरी। डीएसके धानोरी अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल है, एक भी मैच हारा नहीं है। और
धोनी टीम की कोशिश रहेगी कि तारा को जल्दी से जल्दी पैवेलियन भेजा जाए। सबसे बड़ा खतरा है ये बल्लेबाज। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ 14 हो चुका है। आए हुए सभी मेहमानों, खिलाड़ियों और दर्शकों का, साथ ही यूट्यूब पर लाइव देखने वाले व्यूअर्स का आईजी क्रिकेट लीग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत। और इस बार बॉल हवा में है, नारायण बॉल के नीचे आते हुए आसान सा कैच हो सकता था लेकिन चांस मिस हो गए। इस तरीके से ये जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे मुकेश को। हालांकि कोशिश जरूर अच्छी थी लेकिन बॉल को जज करने में थोड़ी सी मुश्किल। तो चलिए जो ऑनगोइंग मैच सियागढ़ वॉरियर्स से डीएसके धानोरी 2.1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 19 रन बिना कोई विकेट। इस बीच भानाराम गहलोत, इनकी काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे और ये काफी अच्छा कैच। पिछले ओवर में दो कैच जरूर छूटे थे लेकिन उसका पूरे पूर समाचार यहां पे लेते हुए राजेश जी का अच्छा कमबैक। फर्स्ट मैन बैक टू द पवेलियन। इक्कीस नंबर की जर्सी, पिछले दो सीजन में इस खिलाड़ी ने क्या कमबैक किया और ये इस बार वन डाउन आए लेकिन हमेशा ओपन करते तारा के साथ। हमारे तारा भाई के हाथ में जो बैट है वो बैट कम भाला ज्यादा है, इतना वजनदार बैट के साथ खेलते हैं। उसी से पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी छक्के मारने की काबिलियत जो है वो कितनी ज्यादा है। नरेश एक्टिव प्लेयर, पहला ही शॉट कवर्स के इलाके में गेंद जाती हुई, फील्ड करेंगे महेंद्र दत्तक, एक रन से संतुष्ट। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। तो चलिए स्कोर जा पहुंचा 20 रन, 2.3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 20 रन। तारा बैक ऑन स्ट्राइक, एक बड़ा हिट, क्या शॉट था, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और एक रन से संतुष्ट। यहां पे तारा ने मना किया, नरेश चाहते थे दो रन लेना लेकिन हुआ नहीं। बहुत लंबा बाउंड्री लेग साइड में जो रीजन है इसलिए आपको जब आपके पास थोड़ा इसी भी थोड़ा ट्रिकी शॉट खेलना चाहिए थे
दिलशान स्कूप निकालना चाहते थे अपने बल्ले से, लेकिन एज लेते हुए बैट का और गेंद वापस जा समय गेंदबाज के हाथ में। राजेश जो पिछला ओवर जो काफी महंगा साबित हुआ था, इस बीच कदमों का इस्तेमाल और थोड़ी मिसफील्ड यहां पे महेंद्र की। नारायण का बहुत अच्छा थ्रो, रन आउट का मौका हो सकता था अगर थ्रो थोड़ा सा सटीक होता तो, और वो भी किसका रन आउट था? तारा, जिसका नाम सुनते ही जो पिछले 9 सीजन हुए एसीएल के भौचाल आ जाता है वही तारा, उनका आप रन आउट छोड़ दे। एक टाइम के लिए आशा छोड़ दी थी तारा भाई ने, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मिसफील्ड या थोड़ा सा खराब थ्रो, तारा भाई कहते अभी हम जिंदा है, अभी हम नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच नए गेंदबाज शेषाराम, शेषा शेषाराम, ये भी मुझे कई बार कह चुके हैं कि मेरा भले ही नाम पुराने जमाने का हो लेकिन मेरा खेल नए जमाने का है। काफी अच्छी ब्लॉक हॉल में गेंद, गेंद जा रही है टिप्पणी विकेट की तरफ, फील्ड करेंगे तब तक एक रन नहीं रोक पाएंगे। फिर से बैट्समैन नरेश ऑन स्ट्राइक, पिछला जो मैच खेला गया था एसयूबी वर्सेस मौसी, मौसी ने 17 रनों से एसयूबी को दंदनाती हुई हार का सामना कराया है। तभी आने वाली सामने गेंद 5 शेषाराम की, अच्छी गेंद यहां पे नरेश का बल्ला जो पिछले 2 सीजन में बोला था, इस साल थोड़ा सा शांत। इस बीच स्कोर जा पहुंचे 25 रन। ताराराम 11 गेंदे 15 रन पे खेलते हुए, उससे साथ 100 रन की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नरेश। तो चलिए हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं हमारे लादूराम जी। इस बीच एक अतिरिक्त रन यहां पे, इससे स्कोर जा पहुंचा 26 रन 3.2 ओवर में। अगर आप इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो आपका प्रोजेक्टेड स्कोर जरूर 78 रन के आसपास यहां से एक स्कोर रखा जाएगा। अगर स्कोर 80 से 85 रन आप इस ग्राउंड में बनाते तो एक काफी फाइटिंग टोटल यहां पे कहा जाता है इस ग्राउंड पे। इस बीच काफी अच्छी अपील यहां पे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं यहां पे। और इस बार जो बाउंड्री, जो लेग साइड की बाउंड्री जो काफी दूर है, इस वजह से ये जो टेनिस का गेम है, जो सिंगल डबल का गेम यहां पे सभी टीमें खेलती हुई। और इस बीच हेलीकॉप्टर निकाला अपने पिटारे से, गेंद जा रही है दिनेश वहां तक, फील्ड करेंगे तब तक एक रन से संतोष। काफी अच्छा सटीक थ्रो यहां पे, हिचकिचाहट नहीं। दिनेश कहते हुए आराम से। इस बीच शेषाराम की काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी, 5 गेंदे मात्र 5 रन यहां पे खर्च किए, एक बड़ा हिट ताराराम का। और ये गिल्लिया भी खेल दिए यहां पे बैट्समैन ताराराम बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका सियागर वॉरियर्स के लिए, बड़ा हिट, जैसे इन्होंने मेरी आवाज सुनी एक बड़ा हिट मारना चाहते थे और अपने विकेट का पतंग यहां पे करते हुए बैट्समैन ताराराम जी।
तो चलिए महेंद्र महेंद्र काग महेंद्र काग सात नए बल्लेबाज इस बीच काफी अच्छा शॉट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ये विकेट का पतन जहां दोनों बल्लेबाज को सिंगल डबल का गेम रखना चाहिए था वहां पे अपना विकेट खो देते हुए नरेश जो अपना आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए यहां पे भी लिया और काफी अच्छा कैच भी लिया प्रकाश ऑन स्ट्राइक काफी तेज तरार गेंदबाजी यहां पे हाई आर्म एक्शन थोड़ा सा इनका हाथ जो देखा जाए तो लास्ट वन पे जो बुमराह का जैसा हाथ आता है थोड़ा सा क्रॉस हाथ एक अच्छा जंप महेंद्र जो पिछले साल सिरी टाइगर्स कालेवाड़ी से खेले जाते थे इस बार डीएस के धानुरी क्या गेंदबाजी क्या गेंदबाजी कट कर दिया गेंद जा रही है फाइनल की तरफ फील्ड करेगी तब तक एक रन लेने से नहीं रोक पाएगी स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 4.3 ओवर के बाद और इस बार बढ़िया शॉट खेला है कवर की दिशा में बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा चौका प्रकाश के बल्ले से आता हुआ सिंहगढ़ वॉरियर्स के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान में शॉर्ट पिच गेंद फेंक रहे हैं महेंद्र और ये अच्छी फील्डिंग यहां पे और रन आउट होने का मौका था लेकिन काफी तेज गति से भागते हुए दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके थे लेकिन फील्डिंग अच्छी दो रन चुराने में सफल दोनों ही बैट्समैन इस बीच महेंद्र की इन 5 बॉलों में 8 रन आ चुके हैं और इस बार अच्छी बॉल यॉर्कर लेन की बॉल रक्षात्मक खेलने के लिए मजबूर किया दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं खतरा हो सकता था लेकिन तेज गति से चीते की गति से भागते हुए 2 रन पूरा करने में सफल और इसी के साथ ओवर नंबर 5 खत्म हुआ 5 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे पांच ओवर खत्म हो चुके हैं यानी कि लगभग आधी पारी खत्म हो चुकी है स्कोर हुआ है मात्र 38 रन हेलो हेलो
हेलो महेंद्र सिंह आए हैं, थोड़ी कम करो आवाज, थोड़ी सी कम। हेलो, और अब स्ट्राइक पे है महेंद्र सिंह। बॉलिंग करने के लिए आए हैं शहशाह। शीशा हो या दिल, आखिर टूट जाता है जब तक ना मिले विकेट। शहशाह चैन से रहने वाला नहीं है, खतरनाक बॉलरों में से एक शहशाह। फुल टॉस बॉल थी इस बार। और बहुत ही चतुराई भरी तेज रनिंग विकेटों के बीच सिंगड वॉरियर्स के बैट्समैन द्वारा स्कोर इन दो रनों की सहायता से बढ़ता हुआ 40 हो चुका है। 40 रन चौथी बॉल, और बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पे बैट्समैन के लिए। ज्यादा मौका नहीं था, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट महेंद्र सिंह का, एक रन चुराने में सफल। एसीएल के 10वें सीजन के 7वें दिन का यह चौथा लीग मुकाबला चलता हुआ स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जांबे के इस हरे भरे मैदान पे आए हुए सभी मेहमानों, खिलाड़ियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और इस बार क्रॉस खेलने गए थे चुके एम्पायर द्वारा लेग बाई का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन सिंगड वॉरियर्स के खाते में जुड़ता हुआ। और एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 42 रन, अभी भी 50 से दूर है। और ये कड़क शॉट है, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पे नारायण की, और यह ओवर थ्रो के रूप में एक और अतिरिक्त रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज आसानी से पूरा करते हुए। फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, शॉट भी तगड़ा था, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में रन मिलता हुआ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 44 स्कोर हो गया है। बॉलिंग करने के लिए आए हैं नारायण। नारायण बॉडी बिल्डर प्लेयर है और रोज 2-3 घंटे जिम में जाते थे, तो पिताजी बहुत इनको जो है चिल्लाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जिम के सामानों की एक दुकान ही खोल दी। उनकी पहली बॉल पे बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है और बॉल कुछ देर हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर रह गई। इस बीच बैट्समैन भाग पड़े थे 2 रनों के लिए और आसानी से एक ही रन लिया है, शायद एक ही रन मिला है। 45 स्कोर हो गया है। तो नारायण ने एक जिम की दुकान ही खोल दी है धानोरी में इनकी। और इस बार फिर से हवा में बॉल, ऊपरी हिस्सा लगा था, काफी तेज गति से बॉल करते हैं। जो भी बैट्समैन क्रॉस खेलने जाता है, बल्ले का ऊपरी हिस्सा कभी कभी जो है लग जाता है और बॉल हवा में उछलती है, लेकिन फील्डर से दूर रही, किस्मत का साथ बल्लेबाजों के साथ। इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें बड़ा उलटफेर हुआ जब एसयूबी की मजबूत टीम को मौसी ने हराया था। और इस बार एज लगा, काफी तेज गति से बॉल करते हैं नारायण। मैंने आपको पहले बताया क्रॉस खेलने गए तो एज लगेगा, वैसा ही हुआ।
is the father of 4 wicket for Sikkim Warriors. Score is now 46 with the loss of 4 wicket. New batsman Rohit is coming in. He will face the Narayan for first time. Very nice delivery. There is no contact in between bat and ball. There is no chance of any run for the batsman. मैच देखने के लिए उत्तम कलेक्शन से मांगीलाल जी सोमत्रा हैं, आपका दिल की गहराइयों से अभिवादन सर। अगले साल की कोई स्पॉन्सरशिप लेना चाहता है तो निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जो भी सीरी समाज के बंधु खिलाड़ियों के हौसला अफजाई हेतु कोई भी जो है स्पॉन्सरशिप लेना चाहता है तो ले सकता है। बहुत सारी स्पॉन्सरशिप बुक हो चुकी हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप बची भी हैं। If anyone interested to take sponsorship, then contact with me. Narayan, आखिरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में बॉल जा रही है। महेंद्र वहां पे मौजूद, एक रन चुराने में कामयाब। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए आए हैं डीके, सामने महेंद्र सिंह है। बैटिंग पावर प्ले है, 3 से ज्यादा खिलाड़ी बैटिंग पावर प्ले में 30 गज के दायरे से बाहर। आप जो है फील्डिंग में सेट नहीं कर सकते हैं। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थी, मात्र 1 रन बल्लेबाज के लिए। और स्ट्राइक पे आए हैं रोहित, 2 बॉले खेल चुके हैं, मात्र 1 रन बनाए। इस बार फिर से फुल टॉस बॉल थी, लेकिन 1 रन तेजी से भाग पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। मिड ऑन पे कले खिलाड़ी महेंद्र के हाथ में बॉल गई। 50 पूरे हो चुके हैं। 50 has comes up for Sikkim Warriors after 7.2 over. रनों की रफ्तार बहुत ही धीमी। यहां पे बड़े शॉट के लिए जाना होगा, रिस्क लेना होगा। और इस बार बल्ले का एज लगा है, बॉल थोड़ी देर के लिए हवा में उछली। विकेट कीपर द्वारा बरकस प्रयास किया गया बॉल के ऊपर जाने का, लेकिन नाकाम रहे। इस बीच बल्लेबाज 1 रन के लिए भाग पड़े और पूरा करते हुए। इसके बाद आखिरी मैच बचेगा जब हिंजौरी की टीम का मैच होगा। और इस बार अपील हुई है, बहुत ही जोरदार अपील है, लेकिन हमारे एम्पायर गैब्रियल जोबेस्टो वेस्ट इंडीज हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में इनको कमेंट्री का अनुभव है एम्पायरिंग का, तो इनके ऊपर ऐसी फर्जी अपीलों का कोई असर नहीं। अगली बॉल बहुत ही खूबसूरत बॉल थी, ये पूरी तरह से
छक्का में सफल बैट्समैन को। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, एक जानदार ओवर यहां पे, मात्र 3 रन बैटिंग पावर प्ले में, सुपर डुपर हिट बॉलिंग डीके की। नौवा ओवर शुरू होने जा रहा है, लास्ट आखिरी 12 बॉले बची हैं और इन 12 बॉलों में इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 64 के आसपास बनने के आसार, और जो कि काफी कम होगा। चौके और छक्के देखने के लिए आंखें तरस चुकी है हमारे दर्शकों की। बाउंड्रीज कब आएगी? सिंहगढ़ वॉरियर्स जैसी टीम अगर बाउंड्री नहीं दिखा पा रही हमारे दर्शकों को तो किस टीम से उम्मीद करेंगे हम? सारे हिटर्स भरे हैं। और इस बार रिवर्स शॉट खेला है सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए, जोरदार शॉट, बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। हेलो 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 तीसरी बॉल 9वें ओवर की, बॉल चेंज करने के लिए एम्पायर ने इशारा किया है, नवीन बॉल प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा राउंड जी हमारे कार्यकर्ता एक्टिव है मैदान पे, नई बॉल प्रोवाइड करेंगे। अच्छा राम जी हमारे जो कार्यकर्ता हैं डेली जो मैदान पे प्रॉपर हाजिर लगाते हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। किंग स्पोर्ट एकेडमी से ये हमेशा फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा राम जी का मैन जो है बिटकॉइन का बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, किसी को बिटकॉइन लेना देना है तो आप और यहाँ पे हल्की सी मिस फील्ड हुई, फायदा मिला बैट्समैन भापड़े दूसरे रन के लिए, स्कोर बढ़ते 58 हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। क्या रनों के लिए रनों की रफ्तार बढ़ते हुए आइदर 4 और 6, एम्पायर विल चेक, थर्ड एम्पायर एंड विल गिव हिज डिसीजन, प्लीज वेट। एम्पायर हैज गिवन 4 बिफोर इट। टाइम बहुत ही वाया जा रहा है, पिछला जो मैच होगा इसके बाद उसमें रोशनी की कमी नहीं हो आखिरी इनिंग के समय, इसलिए जल्दी से अपना डिसीजन वेरीफाई करें। Due to lack of time, please. Checking चल रही है, चौका है या छक्का है? वहां पे फील्डर कौन खड़ा था वो बताएं।
ईमानदार से। चौका, फाइनली ये चौका था। यहाँ पे रिप्ले में दिख गया है चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 62 हो चुका है और दो बोले शेष 9वें ओवर की। महेंद्र काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस मैच में, अब तक 21 रन दे चुके हैं। Oh, what a shot! Ball is high in the air and crossed the boundary without any bounce. Umpire raised her both hands and this is the clear cut indication of U6. तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 68 हो गया है। काफी तेज गति से रन बनते हुए महेंद्र अपनी 11 बॉलों में 27 रन दे चुके हैं। महंगे साबित होते हुए सबसे महंगे बॉलर इस मैच के। और एक बार फिर बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी महंगा साबित हुआ यह ओवर, समाप्त हुआ है 9 ओवर के बाद 72 रन। महेंद्र ने 2 ओवर में दिए हैं 31 रन, 31 रन महेंद्र के 12 बॉलों में। हेलो, 9 ओवर के बाद 72 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे। अगले मैच के लिए अगर हिंजवड़ी की टीम और आखिरी 6 बॉले सेंस बॉलिंग के लिए आए हैं नारायण के सामने बैट्समैन महेंद्र सिंदरा। महेंद्र सिंदरा 12 बॉले खेल चुके हैं, 11 रन बनाए हैं। अभी तक चौका छक्का उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। आखिरी ओवर की पहली गेंद, यॉर्कर लेंथ की अच्छी बॉल लेकिन शानदार शॉट, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। यहां पे हल्की सी मिसफील्ड हुई, फायदा मिला बल्लेबाज को, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और 2 रन पूरा करने में सफल हो। इन 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 74 हो चुका है। अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो सका और एक डॉट बॉल। अगली बॉल नारायण की, और ये इस बार बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वेरी ब्रिलियंट फोर कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ महेंद्र सिंदरा दिस टाइम फॉर सीक्रेट वॉरियर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फोर नाउ स्कोर मूव ऑन 78। धीरे धीरे आखिरी 2 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी के दम पे एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई सिंगेट वॉरियर्स की टीम, दानोरी की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल है और उनकी मजबूत बैटिंग लाइन है, उसे देखते हुए
बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत थी यहाँ पे। ग्राउंड बहुत ही बड़ा है इसलिए रन बनना इतना आसान नहीं है इस ग्राउंड पे। 78 एक अच्छा टोटल है फाइट करने के लिए। आखिरी दो बॉल सेंस नारायण के इस ओवर की और सिंहगढ़ वॉरियर्स की पारी की। बहुत ही अच्छी बॉल एक बार फिर पूरी स्पीड के साथ बॉल की थी और यॉर्कर लेंथ की बॉल लेकिन दो रन पूरा करने में सफल। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे एन वक्त पे इरादा बदला। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर इस वक्त। स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन हो गया 81 चार विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल सिंहगढ़ वॉरियर्स की इनिंग की। ओ व्हाट अ शॉट 6 रन बहुत ही जबरदस्त समापन पारी का छक्के के साथ और 87 सिंहगढ़ वॉरियर्स का फाइनल स्कोर हुआ है 88 रन जीतने के लिए बनाने होंगे डीएस के धानोरी को 60 बॉलों में। डीएस के धानोरी नीड 60 रन टू विन दिस मैच 88 रन टू विन दिस मैच इन 60 बॉल। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद लिया तूने? खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। जय भवानी विश्रांतवाड़ी की टीम के साथ दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाओ टॉस के लिए। और मैच में आ गए हैं
हिंजवड़ी के जो रिकॉर्ड धारक बैट्समैन शोन लाल प्रमुख मेडिकल नेहरे शोन लाल जी ने एक रिकॉर्ड अजीबोगरीब अपने नाम किया है। एशियल के इतिहास में एकमात्र बल्लेबाज है जो दो बार हिट विकेट आउट हुए लगातार दो मैचों में। तो ये एक रिकॉर्ड है जो सोन लाल जी ने अपने नाम किया है। अब लगातार कोई आदमी 5 साल फेल होता है तो वो भी एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, भले कैसा भी रिकॉर्ड हो। तो हिंजवड़ी की टीम खाता खोलने के लिए जूझ रही है यहाँ पे। अभी तक जीत का खाता खुलने का इंतजार है उनको। धीरज से और संयम से खेले तो खाता जरूर खुलेगा आज। महेंद्र जी से निवेदन है कि भाई आज मेरे को कपड़े चेंज करने हैं कि नहीं बता दो। भवरलाल कहाँ गए? चप्पलों की दुकान वाले भवर जी। दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त प्लेयर यहां आ जाओ खिलाड़ियों की पहचान बताने के लिए। वन एक्स्ट्रा प्लेयर आइदर फ्रॉम सीगढ़ वॉरियर्स और फ्रॉम डीएस के धानोरी शुड कम इन कमेंटेटर बॉक्स टू आइडेंटिफाई द प्लेयर्स। दिनेश चौधरी आए हैं स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे हैं बैट्समैन का नाम क्या है भाई? नाम कौन बताएगा? अजीत। बॉलिंग करने के लिए आए हैं महेंद्र सिंद्रा। सो ये एट रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच फॉर डीएस के धानोरी इन नेक्स्ट 60 बॉल। महेंद्र सिंद्रा विल बी द स्ट्राइक बॉलर फॉर सीगढ़ वॉरियर्स। देर इज 2 ओवर्स पावर प्ले इन 10 ओवर मैच। खाता खुलते हुए यहां पे डीएस के धानोरी का स्क्वेयर लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट फील्डर के हाथ में गए बॉल और एक रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बैट्समैन। एक रन के साथ खाता खुलते हुए अगली बॉल महेंद्र सिंद्रा की। सामने बैट्समैन अजीत। इस बार फिर बॉल सीधा डायरेक्ट फील्डर नरेश के हाथों में गई। बहुत ही बढ़िया बॉल। इस बार बैट्समैन रिवर्स शॉट खेलने गए थे पूरी तरह से चूके और रन। और ये सूर्य कुमार यादव की स्टाइल से शॉट मारने का प्रयत्न किया था लेकिन यादव बनना नहीं आसान। एम्पायर वेदर इट इज लेग बाई और दिस इज फ्रॉम बैट। यस 3 रन बन चुके हैं पहली 4 बॉलों में। अजीत के बल्ले से इस बार जबरदस्त दंदना था वो शॉट निकला है। बॉल बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े नरेश द्वारा शानदार फील्डिंग वहां पे और 2 रन बनाने में जरूर
सफल बल्लेबाज। इस बीच बाउंड्री काफी बड़ी है। मैं मैच के आयोजकों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैच में रोमांच बनाने के लिए बाउंड्री छोटी करना बहुत ही जरूरी है। मेरा निवेदन है कि बचे हुए मैचों में बाउंड्री थोड़ी सी छोटी की जाए। सिक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, कड़े जोर लगाने के बाद भी बॉल क्लियर नहीं हो पा रही है। तगड़े तगड़े बैट्समैन भी जूझ रहे हैं छक्का मारने के लिए। सो आई रिक्वेस्टेड टू कॉम्पैक्ट द बाउंड्री टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ एशियन। एक ओवर समाप्त हो चुका है और एक ओवर के बाद स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के डीएस के धानोरी। अनबीटेबल है इस टूर्नामेंट में। अब तक बॉलिंग करने के लिए आए हैं लाला गहलोत, सामने अजीत। पहली बॉल को सम्मानजनक तरीके से खेला, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल गई। इस बीच एक रन छुड़ाने में सफल। मैच का जो रोमांच है वो देखते ही बनता है। बड़ी दूर दूर के पुणे के हर कोने से खिलाड़ी एसीएल में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ये उनका खेल के प्रति जो क्रेज है वो दर्शाता है। एसीएल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि 17 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। सीरीज समाज के किसी भी टूर्नामेंट में इतनी टीमें हिस्सा नहीं लेती जितनी एसीएल में। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एसीएल। राजस्थान को छोड़ दो तो और इस बार बॉल हवा में है। इंजेवड़ी टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि नेट पे प्रैक्टिस नहीं करें। कप्तान महेंद्र जी डॉक्टर साहब अपने खिलाड़ियों को लेकर इधर आ जाओ, वहां प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। यहां प्रैक्टिस की हुई काम नहीं आएगी। आखिरकार आपको 2 महीने दिए गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। ओ, उस वक्त आपको प्रैक्टिस करनी थी। 8 मिनट की प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। और इस बार हवा में बॉल है, तारा बॉल के नीचे आते हुए एंड यस द फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट फॉर डीएस के धानोरी। अजीत कॉट बाय तारा ऑन द बॉल ऑफ लाला। नए बल्लेबाज आए हैं रमेश। सबके पीछे रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, ये एस है। सारे खिलाड़ी एस करते हैं इसलिए इनके पीछे एस जुड़ा हुआ है। बॉलिंग करने के लिए आए हैं संजीव बाबा ले, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले संजीव भाई। सामने है डीके। इस बार अपील हुई है जोरदार। यस, विकेट गिरता हुआ। ये दूसरा विकेट। यस द फॉल ऑफ सेकंड विकेट फॉर
डीएसके धनोरी, दो ओवर के बाद 10 रनों पे दूसरा विकेट गिरता हुआ डीके आउट होकर पवेलियन लौटते हुए काफी निराश और हताश, काफी नाराज, लेकिन मैच में हर चीज जो घटित होती है उसका सम्मान करना खिलाड़ियों का कर्तव्य। Everything happen on the ground will be the part of game. Everybody need to संजीव बाबा आते पहले बॉल में पहला झटका दे दिया है, बहुत ही नपितुली और सदी बॉलिंग करते हुए ऑफ स्टंप के काफी क्लोज बॉल कर रहे हैं, तो वाइड के चक्कर में बॉल छोड़ने पे मजबूर है बैट्समैन। और बहुत ही अच्छी बॉल करते हुए संजू, रिक्वायर्ड 100 बढ़ता जा रहा है यहाँ पे बीएस के धनोरी के लिए चिंता की लकीरें बढ़ती हुई। क्या बॉलिंग है, बड़े रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं संजू, लगातार चौथी डॉट बॉल है ये, उसमें से भी पहली बॉल पे विकेट ले चुके हैं, तो एक मैटन ओवर की ओर बढ़ते हुए संजू एसके तीसरा ओवर चलता हुआ, स्कोर मात्र 10 रन है और इस बार हवा में बॉल, फील्डर महेंद्र सिंद्रा के द्वारा हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन दो एक ही रन मिला। और आखिरी बॉल सेंस है, ऐसा लगा था कि मैडन ओवर निकालेंगे, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी कर रहे हैं, 135 नंबर अजीबो गरीब तरीके से इन्होंने जो है नंबर चेस चूज किया है। और इस बार एम्पायर ने वाइड करार दिया है, चुक्की लगाए माफी नहीं, और ये अच्छा शॉट खेला है इस बार सूर्य कुमार यादव वाली स्टाइल से, बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, विकेटों के पीछे गया ये चौका बराबर, ओवर समाप्त हुआ इस बीच संजू बाबा का, 3 ओवर के बाद स्कोर 16, रिक्वायर्ड 110.29, तेज गति से रन बनाने होंगे मैच में बने रहने के लिए डीएस के धनोरी को, रन रेट मेंटेन रखना होगा। बॉलिंग में तब्दीली की गई है और बॉल करने के लिए आए हैं रोहित, जिन्होंने बैटिंग में कमाल दिखाया था, देखते हैं बॉलिंग में क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तारा विकेटों के पीछे, और इस बार कवर की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद वहां पे, दूसरे रन के लिए जाने का कोई चांस नहीं बैट्समैन के लिए। और इस बीच दूसरे रन के लिए भाग पड़े बल्लेबाज,
दो रन पूरा करने में सफल और दो रनों के साथ स्कोर बढ़ते 19 हो गया है। 69 बनाने हैं 40 बॉलों में। और इस बार फिर से लेट कट किया है, बॉल गई है सीधा फील्डर के हाथों में। इस बार एक रन चुराने में सफल बल्लेबाज और 68 रन बनाना है 39 बॉलों में। इस बार शॉट तगड़ा है लेकिन फील्डर को छकाने में सफल। थोड़ा सा मैदान के ऊपर खबड़ होना का फायदा मिला यहाँ पे बल्लेबाज के पक्ष में। बॉल बाउंड्री पार करके 4 रन के लिए। रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 24 हो गया है। तेज गति से रन बनने का सिलसिला शुरू करने का प्रयास यहाँ पे बैट्समैन द्वारा डीएस के धानोरी के लिए। काफी गहराई है डीएस के धानोरी की बल्लेबाजी में। अंतिम 11 तक बैट्समैन है तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। और बहुत ही अच्छी बॉल इस बार बैट्समैन को छक्कड़ में सफल। डॉट बॉल, आखिरी बॉल अभी भी बाकी है चौथे ओवर की। रुपेश 7 बॉले खेल चुके हैं अब तक, मात्र 6 रन बनाए हैं। और इस बार तगड़ा शॉट है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बॉल 1 सेकेंड हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 28 हो चुका है 4 ओवर के बाद। और करंट रन रेट 7 के औसत से रन बनते हुए प्रति ओवर। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं स्टार खिलाड़ी तारा। महेंद्र सिंह विकेट कीपिंग के लिए गए। रुपेश 10 पे पहुंच चुके हैं, 8 बॉलों में 10 रन बना के खेलते हुए रुपेश। और 3 बॉलों में 7 रन बना चुके हैं रमेश पवार। तारा क्लब प्लेयर हैं तो फुल टॉस बॉल मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर बॉल तक पहुंचते हैं तब तक दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं दोनों ही बैट्समैन। और 2 रन आसानी से पूरे करते हुए तारा की फिटनेस में काफी गिरावट देखी जा रही है। इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास कर नहीं पाया है तारा अपनी टीम के लिए। और हर खिलाड़ी का एक समय होता है, वैसे ही तारा का युग चल रहा है या खत्म हो गया है इस टूर्नामेंट के बाद एनालिसिस होगा। अगले साल तारा को खेलेंगे या नहीं सिंगट। तारा नंबर है 12। डीएस के दानूर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वेरी नाइस डिलीवरी, देयर इज नो चांस फॉर द बैट्समैन, बीट द बैट्समैन फुली विदाउट एनी रन्स दिस टाइम तारा। वेरी नाइस डिलीवरी। और बहुत ही बढ़िया शॉट है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बॉल कवर की दिशा में
बाउंड्री को चीरते हुए चार रनों में तब्दील। चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 34 हो चुका है। आखिरी बॉल अभी भी बाकी तारा के ओवर की। अगला मैच खेला जाएगा हिंजवड़ी और इलेवन स्टार कासरवाड़ी के बीच। ओवर समाप्त हुआ इस बीच तारा का। 5 ओवर के बाद स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कासरवाड़ी टीम विश्रांतवाड़ी और हिंजवड़ी टीम के कप्तान आ जाओ टॉस के लिए। अच्छा राम जी टॉस करने जा रहे हैं। टॉस के बॉस ऋषभ टेंडर्स पिंपरी से हमारे इमताराम जी। महेंद्र भाई आ जाओ टॉस के लिए। महेंद्र भाई जहां कहीं भी है टॉस के लिए आ जाए। और विश्रांतवाड़ी जय भवानी। बॉलिंग करने के लिए आए हैं सुरेश जी। सामने रुपेश चौधरी 8 बॉलों में 10 रन बना के खेल रहे हैं। 54 रन बनाने हैं 30 बॉलों में मैच जीतने के लिए। 54 रिक्वायर्ड इन 30 बॉल टू विन दिस मैच फॉर डीएस के दानोरी। फुल टॉस बॉल पहली बॉल खेल दिया है। बॉल जा रही है बाउंड्री के नजदीक। फील्डर मौजूद है दूसरे रन के लिए। भागना यहां पे खतरनाक हो सकता था लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो 2 रन पूरा करने में सफल बल्लेबाज। और टॉस होने जा रहा है जय भवानी विश्रांतवाड़ी के कप्तान महेंद्र भाई और सोमलाल चौधरी हिंजवड़ी से। दोनों ही टीमों की जर्सी लगभग सेम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी आज। टॉस जीता है हिंजवड़ी ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बहुत ही अच्छा फैसला है। आज हिंजवड़ी की टीम पहला मैच जीतने की आज पूरी कोशिश करेगी। और ये शानदार फील्डिंग यहां पे सुरेश द्वारा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 50 रन बनाने हैं 26 बॉलों में मैच जीतने के लिए। डीएस के दानोरी का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 12 के आसपास पहुंच गया है। तेज गति से रन बनाने की जरूरत। बैट्समैन को लंबे लंबे हिट लगाने की जरूरत है। धीरे धीरे दबदबा बढ़ाते हुए यहां पे और ये दूसरे रन के लिए भाग पड़े यहां पे। बहुत ही अच्छा थ्रो लेकिन तेज गति से भाग रहे दोनों बल्लेबाज। 1 रन शॉर्ट है 1 ही रन मिलेगा। 39 रन होने हैं आखिरी बॉल्स हैं 6 ओवर की। सुरेश भाई
और इस बार बड़े शॉट के लिए गए थे, पूरी तरह से चूके। एक और डॉट बॉल, ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। 6 ओवर के बाद स्कोर है 39 रन। 4 ओवर बचे हैं, 4 ओवरों में 49 बनाने हैं, 24 बॉलों में 49, 49 रन बनाने हैं 24 बॉलों में मैच जीतने के लिए। तेज गति से रन बनाने, रिटायर्ड हर्ट होके आउट होके लौटते हुए रुपेश, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 13 बॉलों में 13 रन बना के रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। तूफानी बल्लेबाज नारायण को भेजा गया है, थोड़ी सी रनों की रफ्तार यहां पे तेज करने की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर पहुंच गया है। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, महेंद्र सिंद्रा को बुलाया गया है गेंदबाजी आक्रमण के लिए, अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार महेंद्र सिंद्रा। सामने रमेश पवार, नए बल्लेबाज नारायण आए नॉन स्ट्राइक में, तेज गति से रन बनाने की जरूरत है यहां पे मैच में बने रहने के लिए डीएस के धानोरी को। बहुत ही अच्छी बॉल, पूरी तरह से बैट्समैन को छकाने में सफल रहे महेंद्र सिंद्रा। ईच एंड एवरी डॉट बॉल मेक एन अ प्रेशर ओवर द बैट्समैन एंड रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज बॉल बाय बॉल फॉर डीएस के धानोरी। It is need to be go for hitting hard to remain in the race of victory for TSK Dhanori. Very nice throw. This time only single run for the batsman. दबाव पूरी तरह से DSK Dhanori के बल्लेबाजों के ऊपर हावी। रिक्वायर्ड रन रेट 14 के आसपास पहुंच गया है। नारायण तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं हमेशा, और आते ही इसका कमाल दिखा दिया है। पहली बॉल पे चौका नारायण के बल्ले से, पूरे मैदान के अंदर नारायण नारायण हो गया है और खतरे की घंटी यहां पर सिंहगढ़ वॉरियर्स के लिए। नारायण को रोकना जरूरी। स्कोर बढ़ता 44, जस्ट 6 रन शॉर्ट ऑफ फ्रॉम 50। वेरी नाइस शॉट, वंस अगेन बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। दिस इज सेकंड 4 कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ नारायण फॉर डीएसके धानोरी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट 4 नाउ स्कोर मूव्स ऑन 48। तूफानी बल्लेबाजी, मात्र 2 गेंदों में 8 रन, 2 चौकों की मदद से नारायण 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, इसी गति से और इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो मंजिल दूर नहीं डीएसके धानोरी के लिए। और एक बार फिर बॉल को पहुंचा दिया, तीसरा लगातार तीसरा चौका डीएसके धानोरी, कम बैक करते हुए 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 कम्स अप फॉर डीएसके धानोरी, 52। 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है। 36 रन बनाने 18 बॉलों में, एक समय जब रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर चली गई थी, 15 के आसपास पहुंच गई थी और नारायण ने आते ही पूरी तरह से पासा पलट दिया है। 3 गेंदे खेली और तीनों गेंदों पे उन्होंने 4 प्रहार किए हैं, 12 रन बना के खेल रहे हैं नारायण। सात ओवर में 52 रन, 3 विकेट के नुकसान पे डीएसके धानोरी। मुकाबला इस समय
बहुत ही रोमांचक मोड पे पहुंच गया है। चांसेस आर इक्वल फॉर बोथ द टीम्स फ्रॉम हियर एट दिस स्टेज। हु विल विन द मैच? आइदर डीएसके धानोरी और सिंहगढ़ वॉरियर्स। स्ट्राइक चेंज करते हुए नारायण को लाया गया है स्ट्राइक पे। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी यहां पर रमेश पवार की। 53 स्कोर हो चुका है और 35 रन बनाने हैं 17 बॉलों में। नारायण इज द की प्लेयर फॉर डीएसके धानोरी। लेट्स बी सी दैट हाउ दे कैन यूजफुल फॉर देयर टीम। नारायण ओनली सिंगल फॉर द बैट्समैन दिस टाइम। वेरी नाइस डिलीवरी बॉय संजीव। और विकेट गिरता हुआ रमेश पवार आउट होके पैवेलियन लौटते हुए। इज द फॉल ऑफ फोर्थ विकेट फॉर डीएसके धानोरी। न्यू बैट्समैन मंदर इज कमिंग इन। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ही इज फॉर डीएसके धानोरी। 34 रन रिक्वायर्ड इन 16 बॉल टू विन दिस मैच। राम सा आ गए हैं मैच खेलने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं। अरुण आए हैं। तैतीस रन बनाने हैं मात्र गेंदे बची है 13। नारायण को यहां पे जो है पूरी जिम्मेदारी नारायण के कंधों पे है डीएसके धानोरी को जिताने की। और ये तगड़ा शॉट है बॉल को पहुंचा दिया है बाउंड्री के बाद नारायण ने। स्कोर बढ़ते हुए 59 हो चुका है। बहुत ही रोमांचक मोड में पहुंच गया ये मैच। 29 रन बनाने हैं 12 बॉलों में। पांच बॉलों में 17 रन बना के खेल रहे हैं नारायण। तारा है बॉलिंग करने के लिए। लास्ट 12 बॉलें बची है 29 बनाने हैं 31 रन। 29 रन रिक्वायर्स इन 12 बॉल। Oh, what a shot! Ball is high in the air and there is no chance for the fielder. Ball has crossed the boundary for 6.
स्ट्राइक पे सामना करेंगे तारा का, तारा जिसकी जर्सी का नंबर है 12, बॉलिंग करते हुए। व्हाट अ शॉट, वेरी ह्यूज सिक्स, स्ट्रेट सिक्स फ्रॉम नारायण। और जबरदस्त मोड़ पे पहुंच गए हैं, मात्र 16 रन बनाने हैं 9 गेंदों में। नारायण की आज बहुत ही खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी, पूरे मैच का रुख पलट के रख दिया है। एक समय लग रहा था जबकि सिंहगढ़ वॉरियर्स आसानी से मैच जीत जाएगी, बहुत ही पलड़ा भारी था उनका, और इस समय स्थिति चेंज हो गई, चेंज हो चुकी है। अब 16 रन बनाने हैं मात्र 9 गेंदों में, तो जीतने के चांस बीएसके धानोरी के बन चुके हैं। दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं, तेज गति से भागते हुए पक्या भाई थोड़े से बॉल को मिस कर गए और फायदा बल्लेबाज को मिलते हुए 14 रन 8 गेंदे, एक छक्के से मैच का पासा पलट सकता है। 14 रन 8 बोले। व्हाट अ शॉट, छक्का, और इसी के साथ डीएसके दानोरी पूरी तरह से मैच में वापसी कर चुकी है और मैच जीतने की ओर बढ़ते हुए डीएसके दानोरी 8 रन बनाने 7 बॉलों में। खतरनाक बल्लेबाजी यहां पे नारायण की, पूरे मैच में नारायण नारायण हो गया है, वन मैन आर्मी अकेले के दम पे टीम को जीत के करीब ले गए हैं और 31 रन बनाए हैं मात्र 8 गेंदों में, 4 चौके और 2 छक्के नारायण के। बहुत ही अच्छा फैसला, रुपेश को रिटायर करने के बाद नारायण को ऊपर भेजा गया बल्लेबाजी क्रम में, रन रेट बढ़ाने के इरादों से और पूरी तरह से सफल हुई रणनीति। और इस बार फिर बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और अब मैच अनडाउटफुली पूरी तरह से डीएसके धानोरी के पक्ष में हो चुका है और अब कोई शंका नहीं है कि मैच धानोरी नहीं जीत पाए। 4 रन बनाने हैं 6 बॉलों में, पूरा पासा पलट चुका है। 25 रन आए तारा के ओवर में, तारा के इस ओवर में 25 रन आए हैं और ये ओवर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। आसान जीत लग रही थी एक समय सिंहगढ़ वॉरियर्स की, लेकिन नारायण ने मैच का पासा पलट के रख दिया। Mather want to be go for a big hit, but miss the chance. देखते हैं कमाल कर पाते हैं लाला या नहीं। सिंहगढ़ वॉरियर्स की वापसी लाला के हाथों में, एक जादुई ओवर की जरूरत यहां पे चुके जजमेंट और बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन के नजदीक, फील्ड होके आती तब तक तीन रन बनाने में सफल और स्कोर लेवल हो चुका है। स्कोर हैज लेवल्ड नाउ, ओनली सिंगल रन रिक्वायर्ड टू विन। एक रन बनाना है फील्डिंग क्लोज लगाने की। मैच अभी भी बाकी है, एक रन बनाना भी आसान नहीं होगा।
काफी क्लोज फील्डिंग लगा दी गई है, एक रन नहीं बनाने देंगे। सुपर ओवर में भी जा सकता है मुकाबला, तीन बॉलें बची हैं, एक रन बनाना है, एक रन नहीं बनाने देंगे। लाला, और इसी के साथ मैच हैज वॉन पीएसके धानोरी नारायण कमाल के बल्लेबाज, कमाल का ये खिलाड़ी। एक समय लग नहीं रहा था कि डीएसके धानोरी जीत पाएगी, लेकिन ये करिश्माई परफॉर्मेंस नारायण की, मैन ऑफ द मैच नारायण, बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला हमारे दर्शकों को। बहुत दिनों बाद ऐसा रोमांच